वास्तु के अनुसार चुने होली का रंग, बढ़ेगी सुख समृद्धि। हिंदू मास के मुताबिक होली के दिन नए वसंत की शुरुआत होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रंग सुख, सौभाग्य और खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी रंग से क्या होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एएस असलम है और आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माना जाता है कि होली के हर रंग का प्रभाव अलग होता है। कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार रंगों का चयन अगर सोच समझ के किया जाए तो जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सुख और सौभाग्य में वृद्धि की जा सकती है। लाल रंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाल रंग दक्षिण पूर्व दिशा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस रंग से होली खेलने से सेहत और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नारंगी रंग। वास्तु के मुताबिक नारंगी रंग सामाजिकता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की तुलना में नारंगी की रंग अत्यधिक संकोची माना जाता है। गुलाबी रंग। वास्तु की माने तो गुलाबी रंग से होली खेलने से प्रेम भाव में बढ़ोतरी होती है। होली वाले दिन जीवन साथी के साथ इस रंग से होली खेलना शुभ माना जाता है। पीले रंग। वास्तु के मुताबिक पीले रंग का खास महत्व है। इस रंग से होली खेलना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि पीले रंग का इस्तेमाल ड्राइंग रूम या फिर हॉल में किया जा सकता है। नीला रंग। वास्तु की माने तो नीला रंग सुरक्षा की भावना को प्रबल करता है। ज्यादा चिंता करने वाले लोगों को अपने कमरे में इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस रंग से होली खेलना शुभ माना जाता है। बैगनी रंग। वास्तु के अनुसार बैगनी रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। धर्म अध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं। इस रंग से होली खेलना शुभ माना जाता है। पूजा घर में इस रंग का प्रयोग किया जा सकता है।